नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में है अमितेश। लल्लन टॉप की कोरोना कवरेज, ग्राउंड कवरेज में हम इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में कई सारे लोगों से, दिल्ली NCR में कई सारे लोगों से जो रोड पर अपने घर की ओर यात्रा कर रहे हैं, उन्हें घर की ओर ले जाने वाले पुलिसकर्मियों सबसे बातचीत करके देख रहे हैं लॉकडाउन, कोरोना और सब कुछ ने उनके जीवन को कैसे बदला है। हम एक डॉक्टर से मिलने आए हैं। डॉक्टर दिल्ली के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रही हैं। डॉक्टर को कोई दिक्कत ना हो तो वो चाहती हैं कि हम उनका नाम, उनकी आइडेंटिटी जाहिर न करें, वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कुछ बताना चाहती हैं, हम जानना ये भी चाहते हैं उनसे कि कोरोना का एक जो वार्ड होता है वो कैसा होता है, वहाँ पे रहने वाले डॉक्टर क्या करते हैं, कितनी घंटे ड्यूटी करते हैं, कब खाते हैं, कब बाथरूम जाते हैं, कब PPE सूट में कैसी लाइफ होती है, कोरोना पेशेंट की लाइफ कैसी होती है, दवाइयाँ, खाना पीना सारा कुछ कैसा क्या होता है, इसके बारे में एक मोटा मोटी आइडिया लल्लन टॉप के तरीके से आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बात करने के लिए शुक्रिया। हम ये जानना चाहेंगे पहले कि कोरोना वार्ड जो है वो आम वार्ड जो होते हैं उनसे अलग कैसे होता है। कोरोना वार्ड में हमें PPE पहन के रखना होता है। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा ICU का है या एमरजेंसी OT का है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि हमारी जो ड्यूटीज़ होती हैं ICU में वो 6 घंटे की होती है। तो हम 6 घंटे, क्योंकि एक इंसान PPE पहन के रख सकता है, उससे ज़्यादा पहनने पे चक्कर आने लगता है। इवन 2 घंटे में ही चक्कर आने लगते हैं और पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं हम, और हम एक बार PPE पहनने के बाद दोबारा वॉशरूम नहीं जा सकते हैं और बीच में पानी भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एक बार मास्क उतार दिया तो वो हमारे हाथ या सब कुछ इन्फेक्ट हो जाएगा और उसको दोबारा पहनना मतलब अपने लिए इन्फेक्शन को न्योता देना है। तो इसलिए हमारे ड्यूटी आवर्स जो होते हैं वो 6 आवर्स के होते हैं। तो 6 आवर्स डे, 6 आवर्स इवनिंग, 6 आवर्स नाइट, एंड नाइट में हम 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, पर 2 लोग होते हैं तो एक इंसान 6 आवर्स के लिए रहता है। फिर हम जो मरीज़ के लिए खाना पीना, पानी और दवाइयाँ और ऑक्सीजन की ज़्यादातर ज़रूरत होती है वहाँ पे, तो सिक मरीज आते हैं हमारे पास ICU में, तो हमें उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे रखते हैं। तो वो हम उनके मॉनिटर्स को देखकर लगाते हैं कि उनका मॉनिटर कैसा है। तो मॉनिटर में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उसके हिसाब से हम उन्हें ऑक्सीजन देते हैं, या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है तो वेंटिलेटर पर रखते हैं, और हम उनका ABG करके भी देखते हैं कि उन्हें किस तरह की ज़रूरत है। तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती है, और हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन भी देते हैं, या क्लैगजेन चलती है, एजिथ्रोमाइसिन चलती है। और ICU में इन्फेक्शन होने का भी रिस्क ज़्यादा होता है, पेशेंट जो होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब उनकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। ICU के अंदर, ICU में पेशेंट जो होते हैं वो इस तरह के भी आते हैं, बहुत सिक पेशेंट होते हैं, और क्रॉस इन्फेक्शन ना हो तो हम उन्हें और एंटीबायोटिक्स भी चलाते हैं। तो वो हम उस तरीके से एंटीबायोटिक का कल्चर करके, कल्चर से देख के फिर हम चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए, विटामिन सी वगैरह भी देते हैं पेशेंट को। अच्छा, मतलब बेसिकली एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, विटामिन सी और कुछ क्लैगजिन जैसी दवाएं चलती हैं। कैसे पता चलता है आपको कि किसी कोरोना के पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना है या सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई से काम चल जाएगा? जो पेशेंट होते हैं उनको हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं, तो हम उनके हाथ में एक सैचुरेशन प्रोब लगा के रखते हैं, तो जो ऑक्सीजन कितना है खून में इससे पता चलता है। हाँ, उसमें हमें सैचुरेशन पता चल जाती है कि ऑक्सीजन कितना है उसके अंदर। तो 94 या 90 से कम हो जाता है तो हमें उसे, ऑक्सीजन पे भी इतना कम है तो हमें वेंटिलेटर पे लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हम ABG देखते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ABG पे। ABG मतलब आर्टरी में ब्लड गैस कैसा है, तो उसमें हम देखते हैं PO2 कैसा है, हमें कितनी ऑक्सीजन देने पे कितना PO2 मिल रहा है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ है या नहीं है, या उसका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, मतलब कि अगर हम उनसे नाम पूछ रहे हैं या उनको दर्द दे रहे हैं तो उन्हें वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो GCS बोलते हैं इसे, तो वो GCS के हिसाब से, अगर वो GCS 8 से कम है तो भी हमें ट्यूब डालनी पड़ जाती है मरीज़ को, क्योंकि फिर उनको
खुद वो अपना खाना निगल सकते हैं और फेफड़ों में जाकर उनको दिक्कत हो सकती है, इसलिए कई तरीके के वो होते हैं हमारे, तो उसके हिसाब से हम वेंटिलेटर पर रखते हैं पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि बस मतलब किसी को भी वेंटिलेटर पर रख दिया, किसी को भी ऑक्सीजन दे दी, हमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि आपको जैसे आपने बताया कई सारे पैरामीटर्स पर डिसाइड करते हैं किसको वेंटिलेटर पर डालना है, किसको ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करके रखना है ऑक्सीजन सप्लाई से, ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि एक पेशेंट आया ठीक है नॉर्मल सिम्टम्स के साथ, अगर वो उसकी आया कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई ऐसे हॉस्पिटल में वॉकिंग करके आ सकता है आपके यहाँ, बता सकता है कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं? हमारे यहाँ कोरोना के सिम्टम्स पे पेशेंट आता है, हमारे यहाँ पेशेंट कोविड सस्पेक्ट करके भी आते हैं, जिसे हम मानते हैं कि उसको कोरोना हो सकता है, तो फिर हम उनका टेस्ट करते हैं और कोरोना टेस्टिंग के बाद हम डिसाइड करते हैं कि उनको सिम्टम्स है या नहीं, मतलब उनको कोरोना है या नहीं। तो बेसिकली अगर किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फीवर है तो हम फीवर के लिए पैरासीटामोल देते हैं, या फिर और कोई सांस लेने में तकलीफ़ है तो हम ऑक्सीजन देते हैं जैसा मैंने पहले बताया, और भी ज़्यादा सांस में तकलीफ है तो हो सकता है वेंटिलेटर पर लेना पड़े, तो इस तरह की चीज़ों से हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं और उनके खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा जैसे आप डॉक्टर हैं ठीक है, ये तो पेशेंट की बात हो गई, डॉक्टरों की बात करें, नर्सों की बात करें, तो आप डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से बताइए, जैसे ICMR कहता है कि डॉक्टरों को और उनके घर वालों को क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खाना चाहिए या अपनी डाइट का इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए, तो एक डॉक्टर की तरह ICU में जब आप जाती हैं या अपनी ड्यूटी पर जब जाती हैं आप, तो PPE सूट जो होता है उसके बारे में मैं कहीं पढ़ रहा था, उसको लगता है कि आप बिना पंखे कमरे में रेनकोट पहन के बैठे हुए हैं, PPE सूट ऐसा होता है लोग कह रहे थे, तो PPE सूट जो इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन कॉज करता है, उसके पहले उसको पहनने के पहले खाने पीने की क्या हिदायत होती है, और उसके बाद जब हॉस्पिटल से आप जब खाली होती हैं अपनी ड्यूटी से खाली होती हैं, तो क्या डिस्पोज़ कैसे करती हैं, फिर आगे का सफाई साफ सैनिटाइजेशन खाना पीना दिन भर बाकी कैसा बीतता है? बेसिकली जब हम ड्यूटी पे जाते हैं तो उससे पहले हम पानी पी लेते हैं अच्छे से, खाना खा के ही जाते हैं, क्योंकि हमें पता है 6 घंटे तक अब खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, और हम टॉयलेट भी पास कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है हम वॉशरूम भी नहीं जा सकते अब। तो उसके बाद क्या होता है कि जो PPE होती है उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, तो हमारे पास ये नहीं होता कि एक ही इंसान एक ही डॉक्टर है, अगर इन केस बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो हम बीच में PPE निकाल कर के भी बैठ सकते हैं बेसिकली, पर ये बहुत ही रेयर है क्योंकि PPE बहुत ही महंगी आती है, तो बहुत होता है ऐसा कि लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं और PPE पहनना नामुमकिन सा लगने लगता है, पर फिर भी अब हमें थोड़ी आदत सी हो गई है, तो अब हम PPE जब पहनते हैं उसका डोनिंग बोलते हैं उसको, और जो हम PPE निकालते हैं उसको हम डफिंग बोलते हैं, तो जो डफिंग होता है ना वो बहुत ही सीरीज़ वाइज होता है कि ऐसे 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 करना है, हम उसमें 10-15 बार हाथ धोते हैं बीच में, एक एक चीज़ को बहुत ही धीरे धीरे निकाला जाता है ताकि कोई भी एरोसोल्स जनरेशन ना हो, और एरोसोल जनरेशन की वजह से हमारे निकालने की वजह से हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा उसको, अगर मैं एक मास्क निकालूंगी तो अगर मैं ये मास्क एकदम झटके से निकाल रही हूँ तो हवा में पूरा एरोसोल्स बन जाएंगे। अच्छा। तो वो मेरे नाक के थ्रू चले जाएंगे या फिर कोई और उस रूम में आएगा तो उसको चले जाएंगे, तो हमारे डफिंग के पूरा मेथड होता है कि कैसे डफिंग करनी है, तो ऐसे नहीं है कि बस उठा लिया और उतार के फेंक दिया, फिर हम डफिंग करने के बाद हमारे लिए शावर का इंतजाम किया गया है, हम फिर पूरा स्नान करते हैं। शावर करने पहले आप धीमे धीमे मास्क ग्लव्स और शू कैप्स और अपने PPE का अपर और लोअर सारा धीमे धीमे उतारते हैं ताकि उससे एरोसोल जनरेट ना हो। ठीक है, और फिर हम उसके बाद नहा के आते हैं वहाँ से। 10-15 बार हाथ धोने का क्या बता रही थी आप? मतलब एक बार हमने कैप निकाली तो हाथ साफ़ किए, फिर हमने शू कवर निकाले तो हाथ साफ़ किए, PPE निकाली तो हाथ साफ़ किए, फिर मास्क निकाला तो हाथ साफ़ किए, ऊपर एक हुड होता है वो निकाला तभी भी हाथ साफ़ किए, तो ऐसा नहीं है कि बस हमने लिया और उतार के फेंक दिया, हमें बहुत मेटिकुलसली ये सब करना होता है, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही कोई भी उतार के PPE, जैसे मैंने देखा है बहुत लोग PPE पहन के खड़े हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि PPE को उतारना किस तरह है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, देखे तो वो रिस्क को बढ़ाते हैं।
किस तरह से रिस्क को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप शावर लेते हैं। हाँ, शावर लेते हैं और फिर हम जब ड्यूटी से वापस आ जाते हैं तो हम अपने उन कपड़ों को साइड में रख देते हैं और उनको धुलने के बाद ही पहनते हैं। हम हॉस्पिटल से भी शावर लेके आते हैं और फिर अपने रूम पे आने के बाद फिर से शावर करते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या आप डॉक्टर लोग क्या खाने पीने में क्या हिदायत बरत रहे हैं, दवा या सप्लीमेंट्स क्या खाने पीने में कर रहे हैं? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बोला गया था लेने के लिए, तो हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ली है। दो इट इज़ नॉट पूरा कम्प्लीटली नोन कि ये लेने का कितना फ़ायदा है, पर फिर भी हमें हिदायत दी गई कि क्यूटी प्रोलोंगेशन मतलब हमारी ईसीजी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम इसे ले सकते हैं, इसे ट्राई किया जा सकता है, तो मैंने भी ली है वो। और हम खाने में विटामिन सी वगैरह भी ले रहे हैं, मतलब मौसमी टाइप चीज़ें या इस तरह की जिससे एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली ये होते हैं। और खाने में तो जो पहले खाते थे वही अच्छा वाला खाते हैं, बस यही है, कोशिश करते हैं कि खाना स्किप ना हो, क्योंकि हमारे अब ड्यूटी आवर्स भी कम ड्यूरेशन के हैं इन कोविड ड्यूटी पर। जैसे हमारे वार्ड्स हैं आइसोलेशन वार्ड्स वगैरह, वहाँ 12 आवर के शिफ्ट हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि 6 आवर्स के शिफ्ट्स हैं, तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं। अच्छा, एज ए कोरोना डॉक्टर आप क्या लगता है क्या सुधार चाह रही हैं, क्या दिक्कत झेल रही हैं जिसको लगता है कि सरकार को या ICMR को या काउंसिल को ध्यान देना चाहिए, कुछ लगता है साहब? मुझे लगता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आई थी, पर अब काफ़ी हद तक हमारे सीनियर्स ने और गवर्नमेंट ने कोरोना ड्यूटी में हमारा बहुत हेल्प किया है और अब ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ सुधार की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है। तो ये कोरोना वार्ड की एक डॉक्टर थी, बता रही थी कि क्या होती है कोरोना डॉक्टर की लाइफ, दिन शुरुआत करने से लेकर दिन को ख़त्म करने तक। पता नहीं, शायद कई दिनों से घर नहीं जा पाई होंगी आप अपने घर, पता नहीं अपने पेरेंट्स से या भाई बहनों से। 3-4 महीने हो गए हैं, हम पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हमारे एग्ज़ाम होने थे, अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, हम 3rd ईयर में हैं, तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होंगे तो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं होगा। तो बेसिकली यही एक चिंता है कि हम पढ़ें, कब पढ़ें, मतलब ड्यूटी करें, पेशेंट्स अपने आप को बचाएं कोरोना से और अपने घर वालों को बचाएं। तो 3 महीने से हम घर नहीं गए हैं, 3 महीने से डॉक्टर साहब घर नहीं गई हैं, 2-3 महीने से और कोई लोग घर नहीं गए हैं, कुछ लोग घर की यात्रा कर रहे हैं और हम लल्लन टॉप लोग कवरेज कर रहे हैं कोरोना की। आप तो अपना ख्याल रखिए, अफवाहों से थोड़ी दूरी बना के रहिए और लल्लन टॉप को फॉलो करते रहिए। शुक्रिया।